अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, ये मैं ऑर्गेनाइज़र मंगाई थी ना मीशो से, तो देखिए जो भी ज्वेलरी मेकिंग का जो मेरा मटेरियल है उसको मैं रखने के लिए मंगाई थी। तो देखिए मैं पूरा उसमें सेट कर रही हूँ। कुछ मैं होलसेल मार्केट से लेकर आई थी और कुछ यहाँ बाजू की शॉप से ख़रीदी थी, और थोड़ा बहुत मैं ऑनलाइन भी मंगाई थी। तो जो वो बड़े बीड्स है ना, वो मैं होलसेल मार्केट से लाई थी, तो 50 रुपीज़ के है वो। और ये जो पिंक कलर के हैं ना, मैं ये बाजुक से ख़रीदी थी लोकल मार्केट से, तो देखिए वो भी 50 रुपीज़ के है। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ना, ये भी 50 रुपीज़ के हैं। तो ये देखिए, ये हर कलर की है, तो ये 20 रुपीज़ की एक आई मेरे को। ये बाजू की ये लोकल मार्केट से ख़रीदी थी मैं, होलसेल से नहीं ख़रीदी, तो वो 20 रुपीज़ की एक है वो लाइन। तो 3 कलर के ख़रीदी मैं, तो वो सामान बहुत महंगा है, हर जगह अलग रेट से मिल रहा। तो देखिए ये हर कलर के ग्लास बीड्स है, तो ये भी मैं होलसेल मार्केट से ख़रीदी थी, तो 50 रुपीज़ के है, बहुत ज़्यादा आ गए। तो ये भी देखिए, ये भी होलसेल मार्केट से ख़रीदी थी मैं, ये भी 50 रुपीज़ के है। तो जो भी होलसेल मार्केट से ख़रीदी मैं 50-50 रुपीज़ के हैं, और जो इधर लोकल मार्केट से ख़रीदी ना, वो थोड़ा महंगा मिला मेरे को। तो देखिए वो जो बड़े साइज़ के पिंक कलर के बीड्स हैं ना, ग्लास बीड्स, वो भी 50 रुपीज़ के हैं। तो 50 रुपीज़ में अच्छा मिला वहाँ पर। तो देखिए मैं सेकेंड लैंड जमा रही हूँ अब। तो मेरे को बहुत ख्वाहिश थी ऐसा पूरा एक ऑर्गेनाइज़र मंगा के सब एक जगह रखने की, तो बहुत दिनों के बाद मंगाई मैं। तो इधर उधर रखे हुआ मतलब वेस्ट हो जाता था, थोड़ा इधर घूम जाता था, तो इसलिए मैं मंगाई। तो ये 400 का आया ना मेरे को ये ऑर्गेनाइज़र, मीशो से ख़रीदी मैं। तो देखिए कितने अच्छे कलर के हैं, ये भी लोकल मार्केट से ख़रीदी मैं। तो जो यहाँ पर बाजुक से जो मतलब ख़रीद रहे ना, वो थोड़ा महंगे पड़े। तो देखिए ये भी 50 रुपीज़ के हैं, रोज़ की डिज़ाइन में है। तो देखिए 50 रुपीज़ में बहुत कम आए, क्यों बोलते हो, वो वेट है ना उसका। ये भी 50 रुपीज़ के हैं, ये भी बहुत कम है। तो फ्लावर के डिज़ाइन में है वो, ये बॉक्स के जैसे है। ये मैं होलसेल मार्केट से ख़रीदी थी, वो भी 50 रुपीज़ के है। देखिए पूरे ओपन हो जा रही है, तो मतलब क्या यूज़ है इसका मेरे को तो समझ में नहीं आया, मगर मैं अच्छे दिखे तो ले ली। अच्छे दिखते होंगे ज्वेलरी में कुछ भी इयर रिंग्स हुए बनाए तो बोल के। तो देखिए ये स्मॉल साइज़ के हैं बीड्स, तो हर कलर के लेके मैं, पिंक पर्पल पूरे मिक्स कलर के, मतलब हर डिज़ाइन के बनाने बोल के हर कलर के लेके मैं। तो देखिए ये वाइट कलर के है, तो ये 20 रुपीज़ के है, 20 या 25 याद नहीं है मेरे को, तो 20 या 25 के है ये। तो जो होलसेल मार्केट से ख़रीदी ना मैं, वो ज़्यादा है क्वांटिटी में, और जो यहाँ लोकल मार्केट से ख़रीदी ना, वो थोड़ा कम आए, और बहुत महंगे बेच रहे हो लोग, पीस के हिसाब से बेच रहे। और जो होलसेल मार्केट में है ना, वो लोग तोल के हिसाब से बेच रहे, तो ज़्यादा आ रहे इसलिए। तो देखिए ये भी मैं होलसेल मार्केट से ख़रीदी 50 रुपीज़ के, तो कितने ज़्यादा आए। तो ये भी मैं वहाँ से लेके आई थी, बेगम बाज़ार में है पूरी होलसेल मार्केट। तो देखिए मैं ये एक इयर रिंग बनाई थी लाइबा में चेक करने को, तो हर कलर के जो भी मतलब इस्तेमाल, ये देखिए ये बटरफ्लाइज के डिज़ाइन में है, तो बहुत पसंद आए थे मेरे को। तो जो थोड़े ली ना मैं, मतलब बहुत थोड़े 20 रुपये के बहुत कम आए थे वो, तो इसलिए मैं उसको ऐसा और एक पार्टीशन के जैसा लगा के, तो उसको भी रख ले रही हूँ एक इस बॉक्स में। तो बहुत कम आई है ये, बाजू से ख़रीदी थी मैं लोकल मार्केट से, तो 20 रुपीज़ के बहुत कम दिया उन्होंने। तो बहुत महंगा है ज्वेलरी का मतलब सामान, उससे अच्छा तो मीशो से मंगा लेना है, मतलब क्वालिटी कैसी रहती, मगर फिर भी
अपन को अच्छा सस्ते में मिल जा रहा है वहाँ पर। ये लेके बनाना बोल तो बहुत महंगा है, मैं तो वीडियोस बनाने के वास्ते ख़रीद के लाई ना, फिर भी बहुत महंगा पड़ गया मेरे को। ये बहुत ही महंगा है सामान, लेते वक्त नहीं सोची मैं, लिए बाद में जब उन्होंने हिसाब करे ना उसमें बहुत हो गए थे पैसे। तो ये देखिए ये भी है कुछ, ये भी 50 रुपीज़ का ही एक पैकेट है। तो ये चेन है, ये स्टोन्स की चेन है, तो ऐसे इयररिंग्स बनाने बोल के लेके आई मैं। ये पर्ल्स की है, ये 100 रुपीज़ के है इतने, और वो जो स्टोन्स की थी वो 150 की थी, और ये जो पर्ल्स की है ना वो 100 रुपीज़ की है। तो सब पैकेटा बने हुए थे वहाँ पर, तो दो पैकेटा ली मैं। तो ये देखिए अमेज़ॉन से मंगाई थी मैं, सेट मंगाई थी, प्लायर्स का सेट मंगाई थी, तो उसके साथ आए मेरे को ये गोल्डन और सिल्वर कलर की चेन। देखिए ये मैं कौड़ी शेल्स ली, ये भी लोग होलसेल मार्केट से ली थी, वो भी 50 रुपीज़ के छः। तो देखिए हर कलर के है, तो ला बोली थी मेरी बेटी ब्रेसलेट बनाने के वास्ते, बोल तो ले लेके आई मैं। ये स्मॉल साइज़ के बीड्स है, और ये भी 20 या 25 रुपीज़ के हैं। ये भी 20 रुपीज़ के है, ऐसे पुरनी बोलते हैं इसको, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं कि ग्लास के रहती है, तो लेस में वो ये जो आजकल हैंगिंग्स आ रहे हैं ना वो है ये, तो 20 रुपीज़ की है वो थी, चुप ले के ही मैं नेक पे टाकेंगे बोल के। देखिए ये भी 20 रुपीज़ की है, तो जो लोकल मार्केट से ख़रीदा बहुत कम है मटेरियल वो। ये पैकेट है 50 रुपीज़ का, इसको डिवाइडर बोलते जो बीच में डालते ना ज्वेलरी में, वो है वो स्मॉल साइज़ है वो। दो साइज़ के लाई मैं, एक स्मॉल साइज़ एक बड़ा साइज़, तो एक ही जगह डाल दे रूँ मैं, बहुत कम है ना उसकी क्वांटिटी, और दिख के अलग भी आ रहा। ये देखिए ये 50 रुपीज़ के है शायद, नहीं 100 रुपीज़ के है ये। ये देखिए ये एक पेयर है ना वो 10 रुपीज़ की है, तो इयररिंग्स बनाने लेके मैं दो पेयर लेके आई, और वो लॉरियल्स है ना वो 50 रुपीज़ के है, तो दोनों मिला के 100 रुपीज़ का है। तो मेरे को बहुत ख्वाहिश थी ऐसा एक जगह रखने की, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा रखे तो, बहुत अच्छा दिख रहा, मतलब कोई भी चीज़ होना तो एक जगह आराम से मिल जाती है अपने को, ऐसा ऑर्गेनाइज करके रख लिए तो, और देखने में भी अच्छा दिखता और कुछ बनाते वक्त ढूंढना नहीं पड़ता। तो बहुत दिन से देख रही थी मैं ऐसा कुछ बॉक्स मिला तो लूँगी बोल के, तो मीशो में दिखा मेरे को तो मंगाई मैं, तो 400 का आया, मगर बहुत काम की चीज़ है, हर कुछ भी रख सकते हैं अपन उसमें। अगर बच्चियों को मंगा के दिए तो पूरी ज्वेलरी पूरे ब्रेसलेट वो ये सब आ जाते हैं उसमें आराम से। तो देखिए मेरे को तो बहुत पसंद आया। तो ये ज्वेलरी बनाने का मटेरियल है, तो ये जंप रिंग्स है स्मॉल साइज़ बिग साइज़। तो देखिए ये स्मॉल साइज़ के 100 रुपीज़ के हैं, और जो बिग साइज़ है ना वो 50 रुपीज़ के है, और ये इयररिंग्स बनाने के हैं ये भी 50 रुपीज़ के छः।
हाँ ये चेन बोली ना, मैं अमेजोन से मंगाई थी ना, मैं प्लायर्स का सेट उसके साथ आई थी, गोल्डन कलर की और सिल्वर कलर की चेन, पूरा पैक था वो, और इसके साथ थोड़े थोड़े जंप रिंग भी आए थे। तो ये देखिए, ये इयररिंग के वास्ते ख़रीद के लाई मैं, मेरी बच्ची को बनाएंगे बोल के। तो एक पेयर 10 रुपीज़ की है वो, तो 3 पेयर है वो, तो ये 50 रुपीज़ के हैं, बहुत कम है, बहुत ही कम दिया 50 रुपीज़ में। तो यहाँ लोकल मार्केट से ख़रीदे तो बहुत महंगा रहा मटेरियल, जो इयररिंग्स बनाने का ना, ये देखिए ये मैं वहाँ से लाई थी, ये होलसेल मार्केट से 50 रुपीज़ का एक है वो वायर का पूरा बंडल, तो 3 ली मैं। तो ये लोकल मार्केट में ना बहुत महंगा है, तो जो इयररिंग्स बनाने के फ्रंट और बैक का जो मिलता ना कान में लगाने का, वो 10 रुपीज़ में एक पेयर आ रहा, मतलब 5 रुपीज़ का फ्रंट का, 5 रुपीज़ का बैक का। क्वालिटी बहुत अच्छी है मगर फिर भी बहुत महंगा है, तो बहुत महंगा दिखा मेरे को। तो देखिए मैं पूरा सेट कर दी, और कितना अच्छा दिख रहा है, एक जगह रखे हुआ है, तो जब मैं मैं कुछ भी बनाऊंगी वीडियो तो मेरे को आराम से सब एक जगह रहेगा। तो और थोड़ा मटेरियल है न्याया, ये दो बॉक्सों में भी न्याया, ये जो बॉक्स है ना वाइट कलर का, मैं वही होलसेल मार्केट से लाई थी, तो मेरे को ये 120-150 का है, मगर उन्होंने एक ही चाहे लास्ट पीस है बोल के 125 में दे दिया मेरे को। तो देखिए मतलब उसमें एक ही है वो। तो बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को, इसलिए बार बार खोल के देख रही हूँ। हर कलर के मोतियाँ, हर कलर के डिज़ाइन के चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे दिख रहे। तो देखिए अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।